जैसा पुलिस ऑफिसर मैंने बहुत देखे है, तुम्हारी कोई गिनती नहीं है, खबरदार। मुझे मारा तू, मुझे मारा तू। ये है पुलिस का पावर। डोंट मूव। आगे आओगे तो गोली चला दूंगा। सर, मुझे सर्विस करते 20 साल हो गए, अभी तक मैंने अपने पावर का सही इस्तेमाल कभी नहीं किया है सर। जो एक फैशनिस्ट को लॉकअप में डाल के एक बार लाठी से मारना चाहिए, इस लाठी के पावर का अधिकार सिर्फ पुलिस जनता के न्याय के लिए उठाती है सर। सर, क्या आप मुझे परमिशन देंगे सर? सर, मैं 6 महीने में रिटायर होने वाला हूँ। अभी तक मैंने सिर्फ सैलरी ली है, किसी को मारा नहीं। इसके सीने पे लात मारने की इजाज़त दीजिए, ये मेरा आखिरी समय है। मैं एक सच्चे ऑफिसर के सामने एक सच्चे कांस्टेबल के रूप में रिटायर होना चाहता हूँ। प्लीज आप मुझे परमिशन दीजिए सर, मैं इसे बताना चाहता हूँ कि पुलिस का पावर क्या है। यही है पुलिस का पावर। तुम जैसे वैक्सीनेशन वालों को पैर के नीचे दबा के खत्म कर दूंगा। यही है पुलिस की इमेज। अब तुझे पुलिस की इमेज का पता चल चुका, अब तुझे स्टेशन पर ले जाके टांग दूंगा। खबरदार। इधर आ बे। कौन है बे तेरा वो नया साला एएसपी नरहरी? हाँ, मेरे साथ पंगा लेने की जरूरत की साले ने? किधर है वो साला? उधर है सर। भाई, मुझे बाहर निकालो ना भाई। मेरे साथ भिड़ने के बाद अब तुम्हें जीने का कोई हक नहीं है संजय। तुम्हारी मौत होगी, और वो होगी, सिर्फ होगी तो केवल मेरे हाथों से। और इस पुलिस स्टेशन के अंदर ही तुम्हारी कब्र बनाऊंगा मैं। देखो, मेरे साथ उलझने का अंजाम, इसी पुलिस स्टेशन में उसने मेरे बाप को मारा था, और उसी पुलिस स्टेशन को मैंने मिट्टी में मिला दिया। कोई भी अगर मेरे बाप के साथ बदतमीजी करता है, उसका भी यही अंजाम करूंगा मैं। याद रहे।
ए बड़ा भाई, ए बड़ा भाई, ए बड़ा भाई। ए नरहरि, मेरे घर में आया, अंदर कैसे आया? बड़ा भाई, सिटी क्रॉस करके सीमा में आ गया हूँ। सीमा क्रॉस करके तुम्हारे गांव में आ गया हूँ। गांव क्रॉस करके तुम्हारे घर में आया और तुम्हारे सामने हूँ। गौर से मुझको देख ले और ये भी देख ले, अरेस्ट वारंट। तूने जो बिना लाइसेंस के हथियार रखे हैं उसके लिए लेकर आया हूं ये अरेस्ट वारंट। मेरे को अरेस्ट वारंट देने का हिम्मत किस में है? इस सीमा में किसी को नहीं है। हाँ, कोर्ट बोले तो मैं तेरे गुंडे पकड़ने वाला हूँ नहीं, ना तो तेरी तलवार पकड़ने वाला और ना तुझसे डरने वाला हूँ। कोर्ट न्याय करती है, तुम्हारी माता का मंदिर नहीं है। कोर्ट कमजोरों के न्याय के लिए बनाई गई है। यू आर अंडर अरेस्ट। आ गया मेरा बेटा नरसिम्हा, अभी देख लेंगे। तो तुम? हाँ मैं हूँ नरहरि। मतलब तो अभी तक तुम मरे नहीं हो? मरना मुझे इतनी जल्दी नहीं आता। अच्छा, बहुत श्याणा बनते हो तुम। हाँ वो तो मैं हूँ ही, साथ में मर्द भी। ए, कुत्ते की तरह भौंकना बंद कर। मैं चाहूँ तो तुझे यहीं पे ढेर कर दूँ, लेकिन मैं भौंकता नहीं हूँ, काटता हूँ समझे? चाहता है तो आजमा ले। मेरे धैर्य की परीक्षा मत ले, वरना तू भी मिट जाएगा। ए, नरहरि, पॉलिटिशियन और गुंडागर्दी इस देश में दोनों एक साथ पैदा होते हैं। एक को मारते हैं तो दूसरा रोता है, पर हमारे फैक्शनिज्म ऐसा नहीं है। कोई जिंदा हो या मर गया कुछ नहीं देखता, लेकिन तू आज जरूर मरेगा। चल तैयार हो जा। जो मुझे मारने वाला है मैं उसे अपनी उंगली से तोड़ दूंगा, इसीलिए मैं तेरा अरेस्ट वारंट लेके आया हूँ। तुम पुलिस वालों से ज्यादा, हम फैक्शनिस्ट का पावर ज्यादा है। साला 3-2-5 करता है, इससे बात क्या करता है? मार दे साले को। We'll be right back.
बड़े भाई के नाम से ही तुमको सेंट्रल जेल से बाहर निकाला। तुमने मुझे बाहर निकाला और मैंने नरहरी को हॉस्पिटल पहुंचा दिया। चीयर्स।